टेंजिबल। पहले तो हम चांद तारे को देखकर अपने जीवन को व्यवस्थित रखना शुरू किए। हर रोज सूरज का उगना और डूबना, पूर्णिमा से अमावस्या तक का चांद का आना जाना, किसी तारे का आसमान में एक ही दिशा में घूमना, इन चीज़ों से समय का हिसाब लगाना शुरू किए। हमारी धरती पर भी ऐसी बहुत चीज़ें होती है जो साइक्लिकल इन नेचर है, जैसे मौसम का आना जाना, फसलों की उपज, पशु पक्षियों का एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करना। हमारे शरीर में भी ऐसी बहुत चीज़ें होती है जो पीरियोडिक वे में रिपीट करती है, भूख लगना, नींद आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन चीज़ों से लोगों को टाइम को बेहतर से बेहतर तरीके से क्वांटिफाई करने का आइडिया आया। फिर धीरे धीरे लोग ऐसे डिवाइसेज ही बनाने लगे जिसका काम ही सिर्फ बैठ के समय का हिसाब रखना था। और इन चीज़ों में जो सबसे क्रांतिकारी साबित हुआ वो है घड़ी, द मैकेनिकल क्लॉक। हियर वॉज अ ह्यूमन इन्वेंशन दैट क्वांटिफाइड द पैसेज ऑफ टाइम लाइक नेवर बिफोर। घड़ी ने इंसान के दिन भर के समय को इतने खंड में बांट दिया कि अब वो समय को हाथ से निकलते हुए देख सकता है। कभी कहीं वो ज़रा ठहर भी जाए तो उसे पीछे छूट जाने का डर सताता है, जैसे समय आगे निकल जाएगा। The hands of clock started dictating our movements and inhibits our actions.